अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे, जेल आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ना वो मैं यही बात कहूंगा कि दुआ किया करें कि आप लोगों की बीवियां जो है ना वो बीमार ना हो, क्योंकि जब बीवियां बीमार हो जाती है ना तो फिर मर्दों को ये काम भी करने पड़ते हैं। और अब हाल देखे मेरा जो है ना वो प्यास जो है वो कुतर कुतर के ना आंखों से आंसू जो है ना आने शुरू हो गए हैं। आज क्योंकि घर में आ रहे हैं मेहमान और लुबना की जो है ना वो तबीयत है खराब, तो लुबना की जो है ना वो हांडी में मदद मैं कर रहा हूँ, मसाला सारा मैं बना के दे रहा हूँ। मैंने बोला आप बस आके यहाँ पे डोई ला के अपने नंबर बना रहे ना, बाकी काम मैं करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तड़के का सामान जो है ना वो मुकम्मल हो गया और लुबना डोई फेरने के लिए आ गई है यहाँ पे, और साथ में रखे हुए हैं जी आलू। और आलू क्या बनेंगे, कटलेट्स? हाँ जी, कटलेट्स बनेंगे इसकी। और साथ में हिरम जी यहाँ पे कर रही है गोश्त वाश, क्योंकि आज जो है ना वो यहाँ पे कोरमा है ना, कोरमा बनना है और साथ में अचार गोश्त बनना है। और क्योंकि मेहमान जो है ना वो बड़े ख़ास आ रहे हैं आज हमारे, इसलिए जो है ना उनके लिए स्पेशल तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। ये दही है, दही साथ में थोड़ी कोरमे में डलेगी, थोड़ी जो है ना वो रायते के लिए बचेगी। और यहाँ पर हमारी लेडी जो है ना वो गंद डालने में मसरूफ़ है, ये देखें पेज फाड़ फाड़ के ना फेंकी जा रही है। ये फेंका, ये देखें, आप गंद डाल रहे हैं, आपको पता मेहमानों ने आना आजकल। मैं गंद थोड़ी डाल रही हूं, मैं अपनी ड्राइंग बना रही हूं। पेज फाड़ फाड़ के फेंक रही है ना, ये देखें ये इसने क्या बनाया हुआ है। ये डिब्बा जो है ना वो तैयार किया हुआ इसने अपनी अपने वो भाई के लिए, अली के लिए है ना। तो सलाम लेनी आज आपने, आज मेहमान आ रहे हैं घर में, तो तैयारियां जो चल रही हैं आप सफाई वगैरह कर लो तब तक। क्यों सफाई नहीं करनी जब मेहमानों ने आना, तो सफाई नहीं करनी? मैं पेंटिंग कर रही हूं। सही, ये पेंटिंग दिखानी है उनको, उनको खाना नहीं खिलाना? पेंटिंग दिखानी, मैंने इतने दो घंटे लगा के की है वो वाली। सही, चलो आप लोग करो पेंटिंग। मैं दूसरी तो पेंटिंग जो मैंने अभी की है। चलो बहुत प्यारी पेंटिंग आपने की है, अपनी अपनी शक्ल की तरह। ठीक है बड़ी प्यारी की है मोना, बहुत प्यारी की है माशाल्लाह से, जैसी आप हो वैसी आपने पेंटिंग की है। ठीक है ना, आप आपको पता है आप कैसी हो। हाँ। मैंने तो ये कहा जैसी आप हो वैसी पेंटिंग है। प्यारी गोली सी बच्ची हो। हाँ जी, फिर पेंटिंग भी प्यारी होगी अगर आप प्यारी होगी तो। रूम जी साफ सुथरा कर लिया है, रूम की बेडशीट जो है ना वो चेंज कर दी है, उधर गेस्ट रूम जो है ना वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जी गेस्ट रूम को भी आज दोबारा से जो है ना सेट किया गया, दोबारा से चादर वगैरह बिछाई गई है वाश करके, और साथ में बेडशीट जो है ना वो चेंज की गई है यहाँ पे, क्योंकि मेहमान जो है ना इसी रूम में बैठेंगे। उन्होंने वैसे तो आज ही वापस चले जाना है, लेकिन ये है कि इस रूम में बैठेंगे मेहमान, क्योंकि ये गेस्ट रूम है हमारा, तो इसलिए जो है ना वो इस रूम को हमने सेटमेंट कर दिया है। ये जी कंबल ला के रखे हुए हैं सर्दियाँ क्योंकि आने वाली हैं, सर्दियाँ आने से पहले पहले हमने जो है ना वो कंबल अपने ड्राई क्लीन करके तो यहाँ पे रख लिए हुए हैं कि जैसे सर्दियाँ आए फ़ौरन से कंबल पेट के तो सो जाए। ये यहाँ पे अपने मामा के कपड़े डिसाइड कर रही है कि मामा ने ये पहना, कह रही क्यों ये क्यों पहनना है, रेड कलर है इसलिए। तो मामा क्या तुम्हारी दुल्हन बनने लगी है आज? नहीं। तो फिर मामा के ये तुम्हारी मामा को ना लंबा होना है, तुम्हारी मामा ने इसमें नजर ही नहीं आना जितनी को है, छोटी सी तो है वो। नहीं, 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 नहीं। आपकी तरह छोटी सी आपकी मामा जी, बिल्कुल छोड़ दो। ये नहीं पहना जाना, ये अच्छा नहीं, पागल हुई पड़ी अपनी मामा के लिए, ऐसे पागल होती है ना। ये खुद ही कहती है कि मेरी मामा जो है ना वो अच्छी अच्छी ड्रेसिंग किया करे, मेरी मामा ना हर वक्त लिपस्टिक लगा के रहा करे। ये शर्ट और पैंट पहना दो। हाँ जी, ये मेरे वाली पैंट शर्ट दे दो मामा को। हाँ हाँ, वो पहन के अच्छी लगेगी। हाँ जी, ये खुद ही इसने खुद ही डिसाइड करना है लुबना, आपको आप पे छोड़ना ही नहीं इसने। दिखाओ जरा कौन सा, ये वाला सूट जो डिसाइड किया है लुबना ने, लुबना ने इधर दिखाओ तो सही सूट, क्या कहाँ भाग रही हो। ये सूट लुबना कह रही है कि ये दे दें, ये इसके साथ शलवार है, चलो ये दे दो मम्मा को, ये पहन ले। ठीक है आप खुश हो, आप मैं आपको मैं कैसा लग रहा इधर, खुद नहीं किया, खुद नहीं किया, ड्रामे ना करो, खुद नहीं किया, मैं बताता हूँ आगे। किसने किया? लुबना खाला ने, लुबना खाला ने किया। अच्छा जी, लुबना चली गई है रेस्ट करने के लिए और लुबना की ड्यूटी संभाल ली है अब इरम ने।
इरम आ गई है किचन में, आंटी जो है ना इरम अब बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे जी। यहाँ पे बस हो गया है, धनिया काट के डालना था, बस वही देख रही हूँ, शोरबा देख रही थी, हल्का सा डालना जी। क्योंकि लुबना का ना ये इशू है कि लुबना को ना हर साल तकरीबन ना टाइफाइड होता है, और इस साल दोबारा ना टाइफाइड का मसला बन गया है, इसलिए जो है ना वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, कमज़ोरी काफ़ी हो जाती है उसे, इसलिए जो है ना वो चली गई है। मैंने बोला कि आप रेस्ट कर लें, इरम जो है ना तब तक बना लेती है सालन, और उसके बाद जो है ना वो राइस भी बनाने हैं, राइस भी इरम ही बनाएगी आज जी। और यहाँ पे जी मीरब और मोना जो है ना वो आलू के छिलके उतार रही हैं, जो जिनकी कटर से बनानी है, और मोना जो है ना वो छिलके कम उतारती है और खाती ज़्यादा है आलू। क्या झूठ बोला मैंने? झूठ नहीं बोला मैं, सच बोल रहा हूँ। ये आलू जो है ना वो हाफ कर दिए हैं इसने खा खा के, कहाँ गए छिलके इतने ज्यादा उतारे हैं और आलू अभी तक दो हुए हैं, क्या मसला है? ये सारे तो हो गए। नहीं नहीं मोना, तुमने खाए हैं, आधे खा गई हो तुम, आधे खा गई हो। अब ये गलत बात है जो है ना वो तुम ऐसे कर रही हो, तुम्हें आलू छीलने के लिए दिए कि खाने के लिए दिए हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ बोले नहीं मैंने तो। आप यहाँ खड़े थे? मैं खड़ा था, मैं देख रहा था, ये बोटियां भी बड़ी हुई हैं, वो भी आपने खानी है अभी? खानी है? हाँ खानी है। हाँ जी पता था मुझे, मान गए ना खानी है। और मेरे जी कपड़े यहाँ पे प्रेस हुए पड़े हैं, वाइट सूट पहनना आज मैंने, आज जो है ना वो मसरूफियत है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गेस्ट जो है ना वो बहुत ख़ास हैं, और काफ़ी जो है ना वो बाहर के काम भी अभी करने वाले, काफ़ी चीज़ें भी लेके आने वाली हैं, इसलिए जो है ना बहुत छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने कहा आज की टीम जो है ना आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करें, तो लुबना की सेहत के लिए आपने लाजमी दुआ करनी है, क्योंकि उनकी टाइफाइड हुआ है, तो लाजमी दुआ करें कि जल्दी जल्दी से जो है ना उनकी सेहत ठीक हो जाए। आप भी लुबना खाला के लिए दुआ करवा दो। अल्लाह ताला मतलब आप लुबना खाला के लिए दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, आपके साथ भी आपके सामने वीडियो के सामने आए, ठीक है? जी बिल्कुल, आज वो वीडियो में इसीलिए नहीं आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जितनी जल्दी उनकी तबीयत ठीक होगी उतनी जल्दी वो लोग में आएंगी इंशाल्लाह लाजमी, क्योंकि उनके बगैर भी हमारी वीडियो क्या है, अधूरी है, वीडियो का कोई मज़ा नहीं आता हमें। जब लुबना खाला नहीं आती आपको वीडियो का मज़ा आता है? नहीं ना आता ज़रा भी मज़ा, इसलिए जैसे लुबना खाली वीडियो में आएगी फिर ये हमें मज़ा आएगा, है ना? हाँ, तब आएगा मज़ा। हाँ जी, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि लुबना खाला जब, सॉरी मेरी खाला नहीं है, मोना की लुबना खाला जो है वो जल्दी से जो है ना वो सेहत याब हो जाए, ताकि वो व्लॉग्स में आ सके। और आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें, और लुबना खाले के लिए जरूर दुआ करना कि लुबना खाले जल्दी से ठीक हो जाए जी इंशाल्लाह। आंखें क्या करेंगी आंखों को? उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो है ना वो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो अगली वीडियो हमारी है लुबना खाला उसमें हो आए आए। और आपने ये दुआ करनी कि प्लीज प्लीज मैं आपसे एक दफा व्यूअर कह रही हूँ कि आप लुबना खाले की जरूर दुआ करना है कि वो। आपने व्यूअर को एक दफा नहीं कहा, आपने बड़ी दफा कह दिया व्यूअर को, आप तीसरी दफा कह के कह रही हो, पहली दफा आप क्या शर्मा गई हो? ये तीसरी दफा कह के आपने कहा कि मैं पहली दफा कह रही हूँ, किधर जा रही है, इधर रुको, अब कहाँ जा रही हो? चलो अब माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, सॉरी को सॉरी गलती से ना तीन दफा बोला गया और मैंने बोला कि एक दफा बोला है। चले उन्होंने माफ कर दिया, माफ कर दिया, उन्होंने माफ कर देना था। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।